हरी ओ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु रेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः कदाचित् कालन्दित विपिनः संगीतकरवो मुदाभीर नारी वदन कमला स्वाद मधुप रमा समुरमह सुरपति गणेश चित पदो श्री जगन्नाथ स्वामी नरपथ गामी भव श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भव तुम्हें अनंत कोटि ब्रह्मांड नाथ सर्वेश्वर सर्वज्ञता सर्वंतर्यामी सर्वकल्याणकारी महाप्रभु श्री जगन्नाथ देव देव बलदेव देवी माता सुभद्रिका चक्र राशि दर्शन जी प्रातः स्मरण चिर वंदनीय दशदा नंदन गोपी प्राण बजराशि रसराज रस केन्द्र रस ओडियार मूडमणि आनंदमय चैतन्यमय हास्यमय लास्यमय भगव स्वरूप निश्चित संहार कारिणी क्लेश हारिणी क्लेश हारिणी जगत जननी मा राधारानी कर श्री चरण तले भक्तिपूत प्रणति निवेदन करी ओडिशार प्रथम आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल भक्ति समर्पण माध्यम रे भक्त और भगवान कार्यक्रम को देखुवा समस्त भक्त बंधु भाई भूणी मान को मोर सप्रेम जय जगन्नाथ शास्त्रकंती हरि अनंत हरि कथा अनंत हरिंकर जोळी भावरे आदि नाही कि अंत नाही हरिंकर कथार मध्य सेवळी भावरे आदि नाही कि अंत नाही गाईव केश आए दिनबंधु तब महिमार दासी दिनबंधु मत दाउच वासी हे प्रभु के गाई पारिबो के वर्णना करि पारिबो के कहि पारिबो तुमर कथा को कहिवार सामर्थ्य केवल तुमर विष्णु चरित्र के अबा बखाणी कहिबो पिंपुड़ी परात्र में के गिरीते काजीव जब वहां पर विष्णु का चरित्र ताको कथा को के वर्णन करि पारिबो जेमिति गोटे छोटिया क्षुद्र जीव पिंपुड़ी द्वारा जेमिति एक विराट पर्वत को टिकिवा असमर्थ कार्य से बड़ी भाव ए अधम पक्षे से महाप्रभु भक्तों कथा कहिवा दुष्टता मात्र से भक्तों कथा मध्य अनंत ये सकल जगत रे ये धराधाम रे जति के जीव जन्म नै चंती जति के मनुष्य जन्म नै चंती आमे समस्त हो चंती गोटिए गोटिए भक्त आमे समस्त महाप्रभु शरणागत शरणापन्न किंतु आम मान को भीतर सब श्रेष्ठ साधक किए ए कथा किए जानी छी थरे श्रीमद भगवत गीता रे द्वादश जोग रे अति सुंदर भाव रे भक्ति जोग द्वादश अध्याय भक्ति जोग अति सुंदर भाव रे कुआ दै छी अर्जुन पचारुचंती प्रभु श्री कृष्ण को हे प्रभु ए सकल धराधाम रे अनेक भक्त अछंती किंतु सेमानक मध्यरु सबटु श्रेष्ठ भक्त किए एवं सतत गुता दे भक्त संपर्जुपासते जे चापक्षरम भक्तं ते साके जोग वित्तमाह हे प्रभु ई सकल धाधाम रे अनेक भक्त अछंती किंतु से भक्त मानक भीतर सबटु सर्वश्रेष्ठ साधक के सेटी भगवान कहिबा को लागिले जे जति कि जन मोर शरणापन्न जति कि जन मोर शरणागत से माने होचंती मोर श्रेष्ठ भक्त तबे आमे समस्त से महाप्रभु का शरणापन्न होवा कने गीता होति प्रभु कर मुख निश्रुत वाणी कि भोली आपण माने समते शास्त्र दाढ्यता भक्ति पढ़िथिबे सेटी एक भक्त कथा अति सुंदर भाव वर्णना करा दैछि जहां को नाम होछि गीता पंडा जे अहर गीता पढ़िथिबारु प्रत्येक दिन आमे तो समते प्रत्येक दिन गीता गोटी अध्याय पढ़ुचे किंतु से जो गीता पंडा भक्त जनक से सबुदिन अठर अध्याय गीतार अठर अध्याय को से सबुदिन पाठ करती
तांकर तेरो लुनो संसार परिवार आसदा सर्वदा से हरि नाम रे निजकु रसाई दे थांती जते बले दुटी हरि नाम होतबो जते बले दुटी गीता भागवत नाना जी शास्त्र पुराण आलोचना होतबो सेठी से जो बळी हेले भी जेमिति जो उपाय हेले भी मध्य जो वाटर हेले से सेठी जेके पहुंचियो आ गीता शास्त्र से मध्य चर्बित चर्बण करितले माने बड़ शास्त्र के मध्य से आपण माने समस्त जानंती दिने सेई समय रे दुर्भिक्ष माळी आसिला दुर्भिक्ष मासिला माळी आसिला खाइयो को काकु मिलिवनी आ खाइवा आसि परिवो नाही फसल होबो नाही तने लोक बंचिबे केमिति दिने ताको पत्नी ताको कहिवार लागिले पण तुम तो अहर हो गीता पढुछो आमो छुआ पिला पुने बंचिबे केमिति आमो छुआ पिला पुने खाइबे केमिति तुम तो मते मिति अखिया पेटर मारी दबो किंतु गोटिए कथा मु कहि रुकुचि मो छुआ मानकर अवस्था जेमि तमे किछि भी न करो गीता पढिले हम कोन कोड खाद्य आसीबो गीता पढिले कोड रोजगार आसीबो गीता पढिले कोड कोडी आसीबो सेई समय रे पैसा को बा टंका कोडी बोली पदौतला गीता पढिले कोड बा तमे कोठ आनिबो खाली गीता पढी पढी झांज करतल धरी 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 तमे खाली गीता पढी पढी एमिति दक्षिणा आउछ किंतु आमे सेतकि रे कोन बंची परिबा पुरै वर्तमान दो समय दुर्भिक्ष बंचिबा आम प्रति बहुत कष्ट हे जियो आ गीता पढले कोन आमे खाली प्रभु हमकु धन दे देबे इ समय रे गीता पंडा गुटी कथा कहिबार लागले जे संपूर्ण भाव रे ईश्वरंकर शरणागत जे संपूर्ण भाव रे से गीता शास्त्र को आलोचना करे से प्रभुंकर कथा को आलोचना करे जे प्रभुंकर कथा को श्रवण करे प्रभु ता दुख को सुनी तार दुख को मोचन करंती आ तमे काई व्यस्त होच मु तमो ठाकुर काम करूची मु त श्री कृष्ण को काम करूची मु त से गीता को अध्ययन करूची आमु कोन प्रभु केबे अखिया पटर रखी पारिबे निश्चय भाव रे प्रभु हमकु कृपा करिवे जो समय रे गीता पंडा कर ए वाणी बाहरी पड़ी छे आहुरी तंग पत्नी आ गया रागी गेलो कहले आ खाली गीता पढिले कोन हमकु टंका मिलि जिवो से दुगर समय अछिला गीता पढिले भागवत पढिले अन्यन्य शास्त्र पढिले दक्षिणा सम्मत दउतिले आ जो वाटले प्रभु कृपा करिवे कि तू ये बा हुच कोळी जुगो आमे कोळी जुगर अति गीता पढिबो तुम कोन ठाकुर देबे हे ना 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 तमे आ गीता पढिबा बंद कर दियो जो वाटरे हेले तमे जाओ तुम रोजगार देखो आमे केमिति बंचिबो तमे मते सिना मारि दबो मो छुआ पिला कोन मार दबो संगे संगे गीता पंडा कहिले ते ताले तमे गीता को कोन मिथ्या बोली भाबो ता माने गीता कोन मिथ्या अरे गीता मो मिथ्या बोली कोन कि तमे गीता पढले कोन हमकु मिलिबो रोजगार कोन हमकु मिलिबो हमकु तो किछि मिलिबो नि आ संगे संगे गीता पंडाकर पत्नी क्रोध जर्जरित होई एते कथा कोन कहूची मो तो कहूची गीता पढना तमे जा रोजगार करो एते कथा कोन मो स्वामी कहूचंदी मते संगे संगे जाई कि राजी करी से गीता रे तीनोटी देख तीनोटी गारो मारी देली आपण माने जानंती कि बोले भाव रे प्रभु को मुखन श्रुत वाणी जो समय रे तीनोटी गारो मारी दे चंती हायो हायो हुई गीता पंडा सोई पड़ी चंती जता पड़ी जाई चंती संगे संग पुणे उठी ताको विश्राम कक्ष को देसी विश्राम नै चंती राति ठीक हेई ती तो संगे संगे गिरिधारी गोपाल समन्वित श्री कृष्ण भगवान श्री गोविंद दामोदर माधवेति श्री गोविंद श्री कृष्ण भगवान समन्वित जो गोपाल रूप रे दुईटी भार कांधे के आसी चंती आ दुईटी भार कांधे आसी से घर सामना रे पहुंचे जाई चंती आ कोबाटे पटे बाडू चंती कोबाट खोलो कोबाट खोलो कोबाट खोलो आ कोबाट खोलो किंतु ए मानक तो दुई जन को निद प्रबल दुई जन को निद पड़े आसी छुआ माने भी पड़े सोई पड़े चंती दो समय बारंबार बारंबार कोबाट वाड़े वाड़े से लागु चंती बारंबार बारंबार कोबाट वाड़े वाड़े लागु चंती संगे संगे गीता पंडांकर पत्नी तर निद भांगी गला सी जाय कि ठीक कोबाट खोली दे दे तो से पिलाटी को गोपाल पिलाटी को देखिया को पाइले से कोन पिला से तो होजन सम भगवान नारायण से मुनि जे गोपाल वेश धरि कि से आसी चंती ना दूर सामने देखी दे चंती ये सब भार रे सोरिस चाउल धान सब परिवा पत्र सब सौदा पत्र सब नै कि दूर सामने आछंती ये आउरी खुशी गले हम को किछ असुविधा नै इना मो स्वामी देते गीता पाठ पढु असुविधा कोन तबे दो सब खाइबा आनी थिले ताको
पत्नी से मन मन भाबिले पिलाटा हम घर को खाइवा को सब दिनस नै के आसी छी आ ताको जदी मु किछि खाइवा को न दिली ता कोन भलो कथा हो ताको जदी मु किछि खाइवा को न दिली ता अतिथि छी के हम घर को आसी छी ताको जदी अतिथि रूप रे जदी मु हम घर को न डाकिले ता कोन भलो कथा हो संगे संगे ताको डाकी आनिले आसंतु मो घर किछि भोजन करी के जिवे किंतु सेठी प्रभु कोन कहिवारे लागिले प्रभु कहलो हां जे मु खाई थांती कि तुम जीवटा रे देखु न केवल तीनटा गारो जीव पूरा नाल होइ देछि तीनटा गारो पड़ देछि पूरा नाल होइ देछि मु किछि खाई परनी आ जहां खाइला बळ को खाली मु जीव बठा हो छि आपण माने विचार करंतु गीता कोळी भाव रे प्रभु को मुखने श्रुत वाणी ए कथा कहि प्रभु दुर्षम रे चली दै छथि संगे संगे तकर स्वामी उठी पड़ी चंती गीता पंडा उठी पड़ी चंती देखिले घर पूरा अलंकार रे स्वर्ण मुद्रा सरिष चाउल धान रत्न सुन्ना रूपा सबुत्र घर पूरा परिपूर्ण होई के अछि पुने ए दुर्भिक्य समय रे से आनंद रे खुशी होई नाची उठी चंती सतरे ए प्रभु होतन सत्य आ जगत रे केही सत्य नहंती केवल जणिए होतन सत्य से होतंती महाप्रभु ओम सत्य सत्य पुनः सत्य सत्यमेव सुनिश्चित नास्ति देवो नास्ति वाक्यो नास्ति पूज्य गुरुत्व परम ए कोळी जुग रे जणिए हुतन सत्य सी किए सी हुतन्ति भगवान कना सत्य कोनसी वाक्य नुए सत्य कोनसी द्रव्य नुए सत्य कोण जहां थिला जहां अछि आ जहां आगु को मध्य रहिवो सी हुचि सत्य किंतु ए तो मिछमा संसार ए जो विषय रे हम आसक्त होई विषय हम को दुबले आबरे आसक्त करी नै छी आमे समते ए संसार को सत बोली भाउ छी किंतु ए संसार आदि हो छी काडि नै ई हो छी प्रभु कर खेलणा रो घर केते बोली छ तांकर भांगीवे केते बोली छ तांकर जोड़ीवे ई हो छी प्रभु को खेलणा ता को जत्ते बोले प्रभु को जाय छ से सेया करीवे किंतु ई सब तो हो छी मिथ्या ये मिथ्या ये आदि हो छी पुनी काली की नै किंतु प्रभु से थिले आदि अछंती आगु को मध्य रहिबे जा बिनु आदि मध्य अंत विचारे न घटे जगत तांकर आदि नाही कि अंत नाही तबे आपण मान त प्रमाण पाई गेले कि बोले भाव रे प्रभु को मुखनि श्रुत वाणी गीता बोली प्रभु को जीव रे पुनी तीनटी गारो लागि जाईछि जो समय गीता पंडा उठी पड़ी सब देखी दी सुना रत्न धन रूपा के घर पूरा स्वर्ण में परिपूर्ण हो जाती धन रत्न में परिपूर्ण हो जाती सांगे सांगे पत्नी को कहवा लगे अरे किए आसी केमी ना एम गोटे छोट छुआटे आसाला गोपाल पिलाटे दीटा भार कांधी आसी भार घर गला मुझे कह आस न घर कि खाई जीव से कहला ना मो जीभ में तीन टा गार पड़ी तो आउद रक्त बाहर खाईपर मो जीव बहुत बथा हे मो पटी बहुत बथा हे आईपर गीता पंडा भितर भक्तिर आह्लादित सृष्टि कहीं से जानी मो पत्नी गीतार तीनोटी गार मारी तीनोटी गार आज मारी बोध हुए प्रभु प्रभु मुखण श्रुतवाणी से प्रभु जीवर ये भाव तीनोटी गार मरा आभु किसी खाई पार ना बहुत आघात लगुच बहुत कष्ट लगुच तेरे ये गीता हूँ प्रभु मुखण श्रुतवाणी सांगे सांगे गीता पंडा जानी पारे जिसम भगवान आसी प्रभु आसी अरे मु किए अजोग्य मु प्रभु किए भूल करें मु ठाकुर को टे दर्शन कर पारे तु शेष गीता को बात देखु गीतार तीन टा गार पकईलु तु शेष प्रभु को दर्शन कर दर्शन कर पारे एडे हता भागटा मु आलो तु भाग्यवान लो तु भाग्यवान तु भगवान को दर्शन करिचु तु ठाकुर को दर्शन करिचु श्री कृष्ण को दर्शन करिचु सम नारायण भगवान को दर्शन करिचु संतकारं भुजग शयनम पद्मनाभम श्रेयसं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम जोगी विद्यान गम्यं वंदे विष्णु भवव्यहर सर्वलोकेकनाथम संतकारं भुजग शयनम जी भुजग ऊपर शयन करी थांती पद्मनाभ नाभि तंकर पद्म परिपद्मनाभ श्रेयसं विश्वर आधार जी विश्वाधारम गगन सदृशम गगन परि जहांकर मुख गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतं
कमल नयनम ताको नयन होचि कमल परी जोगी विद्यानं गम्यं वंदे विष्णु भवभय हर सर्व लोकेकनाथ तू समरे तंकर रूप को दर्शन करी दी चंती गीता पंडा को पत्नी गीता पंडा पटे से मन मन भावु तंती मु की होता भागा थिली मु की दोष करी थिली प्रभु को टिके दर्शन करी पाले नाही कि तुम पत्नी रो बड़ भाग्य मो पत्नी आदि जगन्नाथ मां प्रभु को सम नारायण को सम श्री कृष्ण तंद्र को दर्शन करी से धन्य हेली की एना सेते बले मध्ये प्रभु तांको रूप रे आसले थिले से गोपाल रूप रे आसले ताको रूप को बा के कोना करि पारिछ ताको रूप को बा के कोना करि पारिबो आकाश आकार दिश इशिर उदर दिश नय मर्त्य पुर पृथ्वी को लागि असंख्य पाद नाना भुजे राजे कोटियायु थसे सुर पसरा सिद्ध रे नाना दक्ष रक्ष पतंगा दी देखी मने गणिला प्र माद जे आकाश आकार दिशय शिर उदर दिशन एमर्त्य पुर पृथ्वी को लागि असंख्य पाद नाना भुजे राजे कोटि आयुदसी सुर अपसरा सिद्ध दे नाग दक्ष रक्ष पतंगा आदि देखी मने गणिला प्रमाद जे जो समय रे आपण समते गीता शास्त्र को पाठन करतिबे विश्व रूप दर्शन करैथिले भगवान अर्जुन को अर्जुन कहउचंती प्रभु आपण त रूप को संवरण करंतु संवरण करंतु संवरण करंतु तबे ये महाप्रभु को रूप को जे पाप करितिला जे गीता भोली शास्त्र को तीनोटी गार दे दितिला बा दे दितिला से पुनि शेषरे महाप्रभु को दर्शन करला से पुनि शेषरे ठाकुर को दर्शन करला गीता पंडा आज प्रभु को धन्य महाप्रभु धन्य धन्य तुम लीला धन्य तुमर महिमा धन्य तुमर लीला ए महाप्रभु को लीला होती धन्य महाप्रभु को महिमा होती धन्य से किबले भाव रे भक्तों को नी महिमा करी थांती किबले भाव रे भक्तों को लीला करी थांती ए लीला ये होची अनंत कना आदि जुगे जुगे भक्तों को पई प्रभु अवतार नै चंती जाके अत्यानंद महापुरुष कहंती अष्टगुर्जरी रे भाव विनोदिया ठाकुर भक्त वर्षल हरि भक्तों को पई कळेवर दश मूर्ति धरि आदि भक्तों को पई प्रभु को नाम हिची भगवान आदि भक्तों को पई प्रभु दश अवतार धरि चंती भक्त मोर प्राण भक्त मो जीवन भक्त पई मोर नाम भगवान भक्त पई मु सादे नाना वेश ताहा पई पुनि सहे मु बहु क्लेश भक्त पई साजे नाना वेश महाप्रभु भक्त को पई नाना वेश सदंती कोबल आपरे एठी आपण मानु को मध्ये उदाहरण देली एठी प्रभु ताक को निज रूप रे आसी नांती को रूप रे आसी चंती ना गोपाल रूप रे प्रभु आसी चंती एक छोट क्षुद्र बालक रूप रे प्रभु आसी भक्त को कृपा कर दी चंती आ भक्त को करुणा कर दी जाय चंती ए भक्त कर दुख को नाशन करंती ये गरीब मानकर हुतंती गंठी दन तेबे सेई भक्त गीता पंडा प्रभु प्रभु को प्राप्त हे चंती कोन करी करी ना गीता पाठ करी करी गीता को पढ़ी पढ़ी से गीता गीता पंडा भगवान को प्राप्त हे चंती से बोली भाव रे हमें गीता शास्त्र को अध्ययन करिवा एवं समस्त से भगवान को प्राप्त हो एक कथा वस्तु को मोर एइट रखुची परिशेष रे समस्त को सुभक्ति जय जगन्नाथ प्रणाम निवेदन ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।